हेलो दोस्तों, तो आज हम उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम रहते हैं और जिसके सामने हम धूल के कण के समान भी नहीं हैं, मतलब पृथ्वी। और हम उस जगह के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसके सामने ये पृथ्वी भी धूल के कण के समान नहीं, मतलब यूनिवर्स। ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा विशाल है और लगभग 20 बिलियन यानी कि 2000 करोड़ साल पुराना है। ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन ज़्यादातर को नकार दिया गया। लेकिन एक थ्योरी को ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया, जिसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार एक अरबों प्रकाश वर्ष जितना बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। ये गैसें लाखों करोड़ों वर्ष तक ग्रेविटी के कारण कंडेंस होती रहे। ऐसे में बहुत बड़े बड़े पिंड बने, जिससे गैलेक्सीज अपने रूप में आई। ये गैलेक्सीज बहुत विशालकाय हैं। ये गैलेक्सीज कितनी विशालकाय हैं, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इन गैलेक्सीज में अरबों सूर्य और अरबों सौर मंडल समाये हैं। इन गैलेक्सीज की संख्या बिलियंस में है, और इन्हीं में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है द मिल्की वे। यहाँ पर हमारा सौर मंडल है और हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बनने से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद बनी, लेकिन ये पृथ्वी जैसी अभी है वैसे पहले नहीं थी। ये पृथ्वी आग के एक जलते हुए गोले की तरह थी, जहाँ पर वायुमंडल भी उपस्थित नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें थी जो पृथ्वी के गर्म लावे से निकली थी, जिसे मोल्टन मास कहा जाता है। पृथ्वी पर जो वाटर वेपर्स थे, वो सूर्य से आने वाली यूवी रेस के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट गए, और हाइड्रोजन हल्का होने के कारण पृथ्वी से बाहर चले गया। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के साथ रिएक्शन करके पानी और अन्य गैसें बनाई। पानी फिर से वेपराइज हुई और बादलों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत का निर्माण हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और बारिश होने लगी। ये बारिश लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार होती रही, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा। पृथ्वी पर जो विशालकाय गड्ढे थे, उस पर इस बारिश का पानी भरने लगा, और ये पानी इसी तरह भरते रहा, जिससे समुद्रों का निर्माण हुआ। पर ये समुद्र आज के समुद्र की तरह नहीं थे। ये समुद्र केमिकल से भरे हुए एक सूप की तरह थे, जिसमें अरबों रिएक्शंस एक साथ चल रही थी। और इन्हीं रिएक्शंस में एक दिन अचानक से एक लाइफ का मॉलिक्यूल बन गया, जो कि जीवित था। और इसी जीवित मॉलिक्यूल से छोटे छोटे जीव बने, और इन जीवों से बड़े जीव बने, और बड़े जीवों से और बड़े जीव बने, और विकास होता रहा। ये इवोल्यूशन इसी तरह चलता रहा। नए नए पेड़ पौधे बने, नए नए जीव बने, ऐसे ही विकास चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। इसका प्रमाण भी हमें विकास की श्रेणी में देखने को मिलता है। और इसी तरह हमारी जो अभी की पृथ्वी है वो नज़र आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बाय।